अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नज़र व्लॉग। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं शुरू। व्लॉग शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दोस्तों आज का व्लॉग करते हैं शुरू। दोस्तों कल के वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे स्कूल में पार्टी थी, तो दोस्तों आज हमें स्कूल से कल हमें स्कूल में छुट्टियाँ मिल गई थी, तो आज हमारी पहली छुट्टी है ईद के लिए छुट्टी मिली, तो आज हमारी पहली छुट्टी है। तो मैं जल्दी उठ गया हूँ, तो मैंने कहा कि पहले गाड़ी हम खुद घर में धोते थे लेकिन इस बार ज़्यादा गंदी हुई हुई है, तो मैंने कहा सर्विस स्टेशन में जाकर धुलवा लेते हैं। अभी हम सर्विस स्टेशन पर आए हैं तो सर्विस स्टेशन बंद है, सर्विस स्टेशन बंद है, बस अभी आ जाएंगे 7 बजे तक सर्विस स्टेशन वाले आ जाएंगे, तो फिर हम धुलवाते हैं गाड़ी और फिर मैंने जाने हैं नाई के पास बाल कटवाने। जैसा ये धुलवा कर जाएंगे फिर नाई के पास, लेकिन कभी रश ना हुआ तो आज ही बाल कटवा लेंगे, कभी रश हुआ तो कल कटवा लेंगे। दोस्तों आप मेरे वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूँगा। दोस्तों इधर हम गाड़ी वाश करवाने आए हैं, ये एक प्लाजा है पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा बहुत खूबसूरत प्लाजा है। इधर कार वाश है, मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में और भी दुकानें हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये है कार वाश, इधर ये अभी देखे अभी बंद है, अभी बस थोड़ी देर में वो आ जाएंगे फिर ये खोलेंगे फिर हमारी गाड़ी धुलेंगे। हम इसलिए सुबह जल्दी आ गए हैं ताकि रश ना हो। ये है कार वाश और दोस्तों ये इसके आगे ये स्नूकर है, ब्लैक डायमंड स्नूकर क्लब, स्नूकर क्लब है और उसके आगे एम मार्ट है, इधर से हर चीज़ मिल जाती है, दालें छालें वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं। ये देखें दोस्तों, और दोस्तों से आगे टेलरिंग वाली शॉप है, ये अली टेलरिंग शॉप, इधर दर्जी है, अभी फ़िलहाल बंद है, अभी थोड़ी देर बाद खुल जाएगी। और दोस्तों ये इसके साथ टिकटिंग वाली शॉप है, इधर से जब जैसा कि आपने उम्रे पर जाना हो या जैसे भी काम वगैरह पर जिधर भी जाना हो बारमल, तो आप इधर से टिकट करा सकते हैं। ये ऊपर देख सकते हैं इसका नाम है जस्ट राइज और ये इनके नंबर नीचे गिवन है, जिसने भी किधर जाना हो इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से अभी वो नहीं है, वो कोई और बंदा है, अभी बस वो थोड़ी देर बाद आते हैं तो फिर गाड़ी को लगाते हैं धुलवाने के लिए। ये बस आने ही लग गए हैं, ये आप खोलते हैं फिर धुलाते हैं, मैं आपको पूरी दिखाऊँगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। दोस्तों हमारा डब्बा है वैसे बहुत अच्छा। दोस्तों मैं आपको इधर आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, इधर सब्ज़ा बहुत है। दोस्तों ये देखिए सामने, ये हमारा स्कूल है, ये वाला, हमारी कल पार्टी थी, हमें छुट्टियाँ मिल गई हैं। दोस्तों ये आप हम दरख्त के नीचे खड़े हैं, अभी इतनी धूप नहीं निकली, जब धूप निकलती है तो ये सर्विस स्टेशन वाले इसकी छाँव के नीचे बैठते हैं दिन को। ये देखिए कितने खूबसूरत मकान बने हुए हैं ये दोनों। अब टाइम बज रहा है 7:30 का और सर्विस स्टेशन वाले अभी आए हैं, ये इन्होंने अभी दुकान खोली है, बस हमारी गाड़ी को लगाते हैं आगे और फिर सर्विस करते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। अब वो गाड़ी को आगे लगाने लगे हैं, दोस्तों ये आप आगे से बता रहे हैं इधर करें क्योंकि इधर बिल्कुल परफेक्ट लगवानी होती है ताकि नीचे से एक जगह से ऊपर उठ जाए। ये देखिए दोस्तों आप पहुँच गए जगह पर, आप गाड़ी आगे लगा दिया और ये
नीचे से उसका जैक उठाएंगे, ऊपर उठा के पूरी गाड़ी वॉश करेंगे। हमारी गाड़ी आप सर्विस होना शुरू हो गई है, ये देखिए इधर पे धो रहे हैं। तो अब ये हमारी गाड़ी सर्विस हो गया और ये आप इसे बाहर लगाया, अब इसे पुश करेंगे इधर खड़ा करके। हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है, फुल सर्विस हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। दोस्तों ये देखिए कितना अच्छा साफ हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया अब और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले इसकी हालत बहुत ही ख़राब हुई हुई थी, गंदा था, अब बिल्कुल साफ हो गया। मैं आपको ये देखिए दोस्तों हमने गाड़ी धुलवाई है और थोड़ी देर घर आके रेस्ट किया है, और फिर जब देखा कि बार्बर के पास रश नहीं था तो हम बाल कटवाने चले गए। तो अब मेरी बारी आई है, दादाजी वालों मेहरबानी। क्या है क्या भाई, दुकान रश बना पा क्या हो? दोस्तों अब मैंने कटिंग करवा लिया और आप मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरी कटिंग कैसी लगी। ये हमारे अजीत भाई ये बहुत ही अच्छी कटिंग करते हैं। The next morning. दोस्तों मैं कल बाल कटवा कर आकर फ्रेश हो गया था, और दोस्तों अब मैं वीडियो बना रहा हूँ यानी उसके अगले दिन। तो कल मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की है, वो अपलोड हो रही थी इसलिए मैंने ये वीडियो कल अपलोड नहीं की, ये वीडियो आज अपलोड करूँगा। तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ छत पर, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, बारिश भी हुई है, सुबह रात को भी बारिश हुई है, सुबह भी दोस्तों अभी भी छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं, और मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, हवा भी बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम हुआ है। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बताएं आपको मेरी कटिंग कैसी लगी। दोस्तों मौसम बहुत ही अच्छा है, दोस्तों ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, दोस्तों हवा ठंडी बहुत है, बहुत ही अच्छा मौसम है।
दोस्तों इधर छत पे ये नीचे पाइप गया हुआ है, जैसे जैसे छत पे पानी जमा होता है ये नीचे जाता रहता है, इधर से नीचे से वो ढक्कन लगा हुआ है, कभी औधी में डालना हो बारिश वाली में तो वो ढक्कन यहाँ से उठाते हैं तो फिर ये तब जाता है औधी में, कभी औधी में ना डालना हो तो ढक्कन बंद ही रहता है। अभी ढक्कन बंद ही है, हमने औधी में नहीं डालना। दोस्तों कल भी बहुत सख्त गर्मी थी दिन को, और अल्लाह का करम हुआ है अब मौसम अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश रात से लगी हुई है तकरीबन, रात नहीं सुबह 4 बजे बारिश आई थी मेरे ख्याल में, 4 बजे से लेकर अभी तक लगी हुई है, कभी आहिस्ता हो जाती है और कभी तेज़ हो जाती है, अभी तो आहिस्ता हुई हुई है, क्या पता फिर थोड़ी देर बाद तेज़ हो जाए। अल्लाह का हम पर बहुत करम हुआ है, मौसम अच्छा हो गया दोस्तों, आप फिर 2-3 दिन सुकून से गुजर जाएंगे, अल्लाह करे अब बारिश होती रहें लगातार, क्योंकि ईद है, ईद भी ठंडी हो जाएगी और फिर ईद भी अच्छी गुजर जाएगी कभी मौसम ठंडा हुआ तो। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, दोस्तों ये देखें कितने छोटे छोटे पप्पी हैं प्यारे प्यारे, और ये जो बड़ी है इनकी मदर है, और ये छोटे छोटे पप्पी हैं इनके 3, 2 वो आगे जा रहे हैं और एक ये बैठा हुआ है। दोस्तों ये देखिए अभी भी बादल आए हुए हैं और छोटी छोटी बूंदें आ रही हैं बारिश की। तो आज बहुत ही अच्छा दिन गुजरा है, आज पूरा दिन अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती रही और पूरा दिन मौसम अच्छा रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है। और दोस्तों अभी भी इधर देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है मेरे पीछे, मैं जूम नहीं करके दिखा सकता आपको क्योंकि ये फ्रंट कैमरा है। तो दोस्तों आज बहुत ही अच्छा मौसम गुजरा है, अभी भी बादल आए हुए हैं, लगता है रात को फिर बारिश होगी। दोस्तों आज मौसम बहुत ही अच्छा गुजरा है, इसके साथ मैं करता हूँ यहीं पर वीडियो को एंड, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिल सके। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।